नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैरो। टैरो में जब हम एसिस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, पावर की, एक जर्नी की जो कि अभी शुरू होने को है। एसिस अपने आप में जो है एक सीड की तरह है जिसके अंदर जो है बहुत पोटेंशियल है एंड इट कैन गिव यू द रिजल्ट्स व्हिच यू आर लुकिंग फॉर। तो दीज सीड्स दे कम विद लॉट ऑफ पोटेंशियल, दीज सीड्स कैन एक्चुअली बिकम द ट्रीज। और एसिस को हम जो है नंबर वन से जो है सिग्निफाई करते हैं, विच ऑल्सो सिग्निफाई द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी। आज जिस एस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एस ऑफ वॉन्ट्स। एस ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड जो है कुछ इस तरह का है। एस ऑफ वॉन्ट्स के जो है कीवर्ड्स में जाएंगे पहले, तो एस ऑफ वॉन्ट्स के कीवर्ड्स होंगे पावर, स्ट्रेंथ, इंथ्यूजियाजम, इंस्पिरेशन, क्रिएशन, बिगिनिंग्स, पोटेंशियल। तो हम सबसे पहले इसके पिक्चोरियल में जाएंगे। पिक्चोरियल में हम देखते हैं कि अ हैंड रीचेस आउट फ्रॉम द क्लाउड, और हम ये भी देखते हैं कि इट लुक्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी। तो एक बादलों में से एक हाथ आ रहा है और उसके हाथ में जो है एक वॉन्ड है। तो जैसे कि वॉन्ड स्टैंड करता है, इट स्टैंड फॉर एंथुजियाज्म, इट स्टैंड फॉर पावर, स्टैंड फॉर एनर्जी, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है वॉन्ट्स का। और वॉन्ट एनर्जी के थ्रू हम जो भी अचीव करना चाहें वो अचीव कर सकते हैं। वॉन्ट इज़ द वेरी मच स्ट्रेंथ ऑफ द कर्मा और द डिज़ायर विच यू हैव। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ यू आर एबल टू अचीव वॉट यू आर लुकिंग फॉर। तो जैसे मैंने कहा कि एस ऑफ वॉन्ट जो है अगर आपकी रीडिंग में आ रहा है तो वो हमें ये बता रहा है कि एवरी थिंग इज़ पॉसिबल, दैट यू कैन अचीव एनी थिंग यू वॉन्ट बिकॉज यू हैव द पावर विद यू। अगर हम पीछे देखेंगे तो पीछे जो है बहुत एक साफ़ सुथरा सा एक एनवायरनमेंट है। आप देख रहे हैं एक नदी बह रही है, ट्रीज़ हैं, और आप ध्यान से देखेंगे तो एक कैसल भी है। द कैसल इज़ लाइक अ पोटेंशियल, द कैसल इज़ लाइक द एम, जो या फिर ऐसे कहिए कि जो कैसल है इट्स लाइक द डेस्टिनेशन। और क्योंकि सब कुछ जो है बहुत क्लियर है इसलिए डेस्टिनेशन जो है ज़्यादा दूर नहीं है। इट विल नॉट बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पर्सन ऑफ वॉन्ड, द एस ऑफ वॉन्ड, दैट ही कैन अचीव एनी थिंग। हम जब बोलते हैं अपनी लाइफ में कि समथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, जब हम ऐसे बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज कर देते हैं कि ये पॉसिबल है ही नहीं। बल्कि इनफैक्ट आपको जो है यूनिवर्स ने ऐसी ताकत दी है कि जो आप सोच सकें, जो आप करना चाहें, वो सब कुछ पॉसिबल है। द ओनली थिंग वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ सबसे पहले तो आप अपने अंदर, आपके अंदर यकीन होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। The moment you have that belief inside, the moment you can see, you know, that you can actually do this, अगर आपको दिख जाए कि ये आप कर सकते हो, आपको बस समझ आने की देर है, and you will see your path will be very clear. You will see that you will have the ace of wands. जो ace of wand है वो it's like a, you know, hand of God which is coming to you, which is helping you out, which is showing you the path. और वो आपको ये बोल रहा है कि आपको जो चाहिए, जो अचीव करना है लाइफ में, मैं आपको वो दूंगा। इट्स लाइक मोर लाइक अ हैंड ऑफ अ जिनी, जैसे कि आपने जो है अलादीन का जो चिराग देखा हुआ है कि अलादीन जो है अपने चिराग से जो भी मांगता है वो उसको मिलता है। तो एसेस जितने भी हैं वो एसेस जो हैं ऑलमोस्ट इट्स लाइक दी अलादीन के चिराग, कि आप उससे जो भी मांगेंगे वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो एस ऑफ वॉन्ट्स हमें बोलता है गो फॉर इट, यू डोंट हैव टू स्टॉप इट, एंड यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन वेरी इजिली, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो एस ऑफ वॉन्ट जब आपकी रीडिंग में आ रहा है वो हमें ये भी बताता है कि दैट यू आर फीलिंग इंस्पायर्ड एंड यू आर फीलिंग एंथुजियास्टिक, दैट मींस यू आर रेडी टू वॉक ऑन अ न्यू पाथ और स्टार्ट समथिंग, वॉट एवर यू हैव थॉट ऑफ। हो सकता है यू हैव प्लान टू डू समथिंग, यू नो, आपने कुछ सोचा है करने के लिए और एस ऑफ वॉन्ट्स आपकी रीडिंग में आ गया, तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। दिस मीन्स, यू नो, लाइक यू विल हैव द हेल्प ऑफ गॉड, यू विल हैव द हेल्प ऑफ एंजल, एंड दीज एंजल्स विल एक्चुअली मेक इट पॉसिबल फॉर यू। It will actually give you whatever you're looking for. Ace of Wands also inspires you to listen to your inner voice. और Ace of Wands जो है वो ये भी हमें बताता है कि that this is a very positive and beautiful time in your life. और इस वक्त जो है आप जो भी अपनी life में सोचते हैं, जो भी achieve करना चाहते हैं, इस वक्त आपके पास ताकत है, इस वक्त आपके पास support है, इस वक्त आपके पास infrastructure है जो कि आप actually में achieve कर सकते हैं। Ace of Wands also stand for strong creative force. इस creative force के basis के ऊपर आप जो भी अपनी लाइफ में जो हैं, जिस क्रिएटिविटी के साथ जुड़ना चाहें,
जो भी क्रिएट करना चाहें वो आपको जो है ये सब वॉन्ट्स हेल्प करता है अचीव करने के लिए। और एक चीज़ और है समझने की, जब जब भी हम वॉन्ट्स की बात करते हैं वो हमारे हमें जो है इशारा करता है दैट देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल एनर्जी। जो स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल एनर्जी है वो ज़रूरी नहीं कि वो इट ओनली कम्स आउट एज अ वे ऑफ सेक्स। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू हैव दिस एनर्जी एंड यू कैन एक्चुअली यूज़ दिस एनर्जी इन टू वॉट एवर डायरेक्शन यू वॉन्ट। इट्स द सेम सेक्शुअल एनर्जी विच ट्रेवल्स इन टू योर हायर चक्रास एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल एनर्जी सम वन बिकम स्पिरिचुअल। तो मैं कहीं ना कहीं ये कह रहा हूँ कि द मोर स्पिरिचुअल यू आर द मोर सेक्शुअल बींग यू आर। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग सेक्शुअलिटी इन साइड ऑफ यू यू आर एबल टू वॉक ऑन दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल एनर्जी नहीं है तो आपको जो है इतनी सक्सेस नहीं मिलेगा अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे, क्योंकि इट्स ओनली बिकॉज इट्स जस्ट द फ्यूल, इट्स बिकॉज ऑफ दिस फ्यूल यू आर एबल टू वॉक ऑन दिस पाथ। तो लाइफ में जो भी दिया गया है वो एक ब्लेसिंग है, जिसको हम रास्ते का पत्थर समझते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो वही हमारे लिए सीढ़ी बन जाता है, वही हमें जो है सक्सेस देता है हमारी लाइफ में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सेक्शुअल एनर्जी विच इज़ इनसाइड ऑफ यू यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, यू स्टार्ट मेकिंग इट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। क्योंकि अगर आप इसको अलग समझेंगे इट विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ यू, दैट इट विल बी समथिंग लाइक यू नो विच कम्स इनसाइड ऑफ यू एंड यू जस्ट यू नो लेट इट गो विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सो अ डीपर अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड एंड अ डीपर एक्सेप्टेंस एंड लव इज नीडेड फॉर दिस एनर्जी सो दैट इट कैन बिकम पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू फॉर द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। और जाते आते जो है एक कोट जो कि एडेल बशीफ का है, वो कहते हैं कि इट इज़ द करेज वी फाइंड ड्यूरिंग लाइफ मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स दैट मेक्स आवर सोल्स ग्रो। तो बात यहाँ पे जो है हो रही है स्ट्रेंथ की। द मोमेंट यू रियलाइज द पावर विच यू हैव विच इज़ रियलाइज थ्रू द एस ऑफ वॉन्ट्स, द मोमेंट यू रियलाइज यू नो दैट दिस सीड इज एक्चुअली सिटिंग इनसाइड ऑफ यू एंड दिस सीड कैन एक्चुअली गिव यू एनीथिंग यू वॉन्ट, देन द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू, द होल यूनिवर्स बिलोंग्स टू यू, इन फैक्ट यू आर द वर्ल्ड, यू आर द यूनिवर्स योर सेल्फ। सो आई एंड माई रीडिंग हेयर, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। Thank you so much. Namaste.